A very warm and pleasant good morning, student. I Priyanka Yadav. Today I tell you some GK full form. Our first full form is LLB, Bachelor of Laws. ये क्या होते हैं जो वकील लोग होते हैं वो करते हैं, लोग की पढ़ाई जो होती है इससे लॉयर बनते हैं. नेक्स्ट है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट है उसके जो कंट्री होता है उनका एक ग्रुप होता है जहाँ पे किंग मीन्स राजा का शासन होता है, इसलिए इसको एमिरेट्स बोला जाता है. नेक्स्ट है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोशल सर्विस के लिए यूज होते हैं और ये गवर्नमेंट्स के कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट इज ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ये मनी के लिए यूज होती है मशीन जिससे हमें पैसे मिल, क्रेडिट कार्ड डालने पर पैसे मिल जाते हैं. नेक्स्ट है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट. ये जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसको ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट किया जाता है ICU में. यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसकी स्पेशल केयर होती है. SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. ये पोस्ट होती हैं डिपार्टमेंट वाइज, जो सुपर होता है अपने डिपार्टमेंट में उसको मिलती है SDM. नेक्स्ट इज EMI, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट. जब आप कोई थिंग परचेज करते हैं बट आपके पास सफिशियंट मनी नहीं होती देन आप उसको पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में देते हो, मीन्स कुछ कुछ पैसे देते हो, उसको क्या बोलते हैं EMI. नेक्स्ट वन इज ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ये एक इंस्टीट्यूट होता है एजुकेशन का जिसमें जो कंपनी में मशीन्स वर्क होते हैं उसकी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये जो होती है डिग्री वो 10th के बाद हो सकती है. नेक्स्ट KFC, Kentucky फ्राइड चिकन. जिस तरह से स्वीट्स के लिए बीकानेरी हल्दीराम वगैरह फेमस है उसी तरह चिकन्स के लिए एक फेमस ब्रांड है KFC. नेक्स्ट इज BMW, बैरवियन मोटर्स वर्क्स. ये भी एक मोटर कार बनाने वाली कंपनी है जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में आती है. नेक्स्ट वन इज NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन. इसमें जो लोग होते हैं वो इंडियन होते हैं बट वो फॉरेन में रहते हैं इसलिए उनका इंडिया को कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता, वो समटाइम के लिए इंडिया में आ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक बिजनेस पर्पज के लिए की जाने वाली ग्रेजुएशन डिग्री होती है और 3 ईयर्स कोर्स होता है ये. CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये क्राइम ब्रांच होती है जो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करती है. नेक्स्ट वन इज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ये अपने डिपार्टमेंट में जो सबसे हेड होते हैं उसको दिए जाती है पोस्ट CEO. नेक्स्ट इज NCR, नेशनल कैपिटल रीजन. ये होता है जो कैपिटल के जो टच में जो एरिया होता है जैसे कि नियर जो कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है उसको बोलते हैं. हमारे NCR में क्या आते हैं, दिल्ली NCR में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और अभी तो रेवाड़ी भी NCR में काउंट होता है. ओके, और नेक्स्ट फुल फॉर्म इज MB. MB का मतलब होता है मेगावाट. ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है. MHz, मेगा हर्टज. ये भी मेजरमेंट यूनिट होती है. नेक्स्ट इज MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट वन इज MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. ये एक तरह से ग्राफिकल जो होती हैं एप्लीकेशंस उसमें यूज होती हैं. MP3, MPEG 1, ऑडियो लेयर 3. ये वो म्यूजिक के लिए यूज होती हैं. नेक्स्ट इज MS, माइक्रोसॉफ्ट. नेक्स्ट वन इज MSG, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. एंड नेक्स्ट वन इज OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ये करेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है. OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. जो हमारे OMR शीट जिसमें हम एग्जाम देते हैं तो हम उसमें पेन से सर्कल करते हैं ना, उसको रीड करने के लिए ये मशीन यूज होती है OMR. OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये एक तरह से लैंग्वेजेज का ग्रुप होता है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं. ओके डियर स्टूडेंट, लर्न एंड राइट ऑल दीज फुल फॉर्म इन योर GK नोटबुक. हेलो स्टूडेंट, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू यू ऑल. आई विनीता सिंह वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the topic that is the photosynthesis for class 6 to 8 science. Okay students, so let's start. What is photosynthesis? You know that the plants prepare their food by themselves because
They are having a green color pigment that we call the chlorophyll, and they can prepare their food by the process of photosynthesis. So what is photosynthesis? A question arises. Photosynthesis is a process in which green plants produce their food by taking water and minerals from the soil, carbon dioxide from the atmosphere, light energy from the sun. Then they prepare a food in their leaves. Okay, student. This I have written here, a chemical energy plus carbon dioxide gives sugar plus oxygen. स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जो होती है, अगर हम हिंदी में इसके बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश विश्लेषण प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सन से लाइट एनर्जी लेते हैं, दैट उस लाइट एनर्जी को वो अपने जो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से ट्रैप करते हैं। ओके, क्लोरोफिल हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई ये ग्रीन कलर के हमें दिखाई देते हैं। मीन्स इनकी जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो हमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर की दिखाई देते हैं। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ये जितने भी आपको मैंने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्लांट सेल्स हैं जो मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं। इस प्लांट सेल के अंदर ही फूड प्रिपेयर होता है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ से वाटर मिनरल्स कैरी करके ले जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करने वाले जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम जाइलम ट्यूब्स बोलते हैं। जाइलम ट्यूब्स की हेल्प से प्लांट वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो जाइलम ट्यूब्स कैसी होती हैं, क्रॉस सेक्शंस में होती हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, वो एक दूसरे से जस्ट लाइक अ यू नो, आपने रिले रेस देखी है, जैसे रिले रेस में हमारे पास एक स्टिक होती है और वो हम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर सेंड करते हैं, देते हैं, उसी तरीके से ये भी जाइलम क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, वो एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज। उसको बाद में वो शुगर, आप कह सकते हो ग्लूकोज इज इक्वल्स टू शुगर, दोनों एक दूसरे के ही कोवेलेंट होते हैं। एंड प्लस में ये जो हमारा फूड प्रिपेयर होता है इसके साथ ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, बिकॉज वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हो जाता है तो उससे वो ऑक्सीजन आउट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी एरोज हैं मैंने मार्क किए हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा। देखिए, सन से इसने सनलाइट ली और लाइट एनर्जी लिया, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का, ये आपको ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है मैंने लाइट ग्रीन शेड किया है, ये ऑलरेडी क्लोरोफिल है। जो इस फूड के, सॉरी, इस लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसमें से ये इन्होंने ऑक्सीजन को आउट किया है। एंड ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दीज आर द ग्रीन प्लांट सेल वेयर फूड इज मेड। ये ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं जहाँ पर फूड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वाटर मिनरल्स मैंने सॉइल में से मार किए हैं। सो आई होप यू विल इजिली केम टू नो दैट वॉट इज फोटोसिंथेसिस। थ्रू दिस डिस्कशन वी कैन से दैट वी हैव गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है। उस एक्सेस वाटर को ये कैसे लॉस करते हैं, थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। उस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो वाटर को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो, और आई कैन से दैट इन आवर यस्टरडेज वीडियो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द
transpiration process. It help in the water cycle. इस तरीके से plants ने क्या किया, जो water minerals, जो waters इन्होंने soil में से लिए थे उसका use किया, और उसके पास अगर excess amount of water हो गया then इसने transpiration process से उस excess of amount of water को in the form of water vapor release कर दिया atmosphere में. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपना जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था बैक इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज कर दिया. ओके स्टूडेंट, आई होप आई थिंक आपको सारे टर्म्स एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं यू विल इजीली केम टू नो. सो नाउ लेट्स कम टू द इक्वेशन दैट वी फॉर्म. केमिकल फार्मूला जो बनता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम उसके बारे में जानते हैं. दिस इज़ द केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कह सकते हो आप क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट वगैरह जो लिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कंबाइन किया, देन शुगर एंड ऑक्सीजन फॉर्म हुई. ओके स्टूडेंट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न इट. फ्रॉम दिस आई एम एंडिंग माई क्लास. आई होप यू एंजॉय दिस सेक्शन. Have a good day, student. Goodbye. Good morning, students. I, Neetu Yadav, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So, students, in today's video, we study about science quiz question, which are for class 6 to class 8. So, students, in this video, your first science quiz question is, phloem is a tissue which found in. आप ये कह रहा है फ्लोएम कौन सा टिश्यू है, जो टिश्यू है फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, कहाँ मिलता है. आंसर प्लांट्स. तो जो फ्लोएम है वो प्लांट्स में मिलता है. किस में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. सेकंड क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन कंटेंट इज कैप्ट कॉन्स्टेंट इन द बायोस्फीयर ड्यू टू. आप ये कह रहे हैं जो N2 का कंटेंट होता है बायोस्फीयर में वो किसके लिए कांस्टेंट होता है, किस वजह से कांस्टेंट होता है. आंसर है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से, ठीक है. ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय. अब क्या कह रहे हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है जो क्लोटिंग में ब्लड के क्लोट को, ब्लड को जो इकट्ठा करने में हेल्प करता है, किसकी वजह से रिलीज होता है. आंसर है ब्लड प्लेटलेट्स. जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज़ करती हैं जो हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर्स ऑफ प्लांट आर ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल. आप क्या कह रहे हैं, बहुत से कलर होते हैं जैसे आपके प्लांट्स में, जैसे रेड ब्लू पर्पल कलर्स होता है, वो कौन से पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपने देखा लीव्स का कलर आपका ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से बोलते हैं जैसे, लेकिन कुछ प्लांट है उनमें रेड ब्लू और पर्पल कलर भी देखने को मिलता है, और ये कलर्स किस पिगमेंट की वजह से होते हैं. तो आंसर एंथोसाइनिन. एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लू रेड पर्पल कलर को शो करने में प्लांट्स में क्या करता है, मदद करता है. फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रोविंग ऑन सैंड आर कॉल्ड एज. अब क्या कह रहे हैं, जो प्लांट मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं. आंसर है पेसमोफाइट्स. पेसमोफाइट्स बोलते हैं उन प्लांट्स को जो सैंड पर ग्रो करते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, प्लांट विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ. अब क्या कह रहे हैं, विल्ट का मतलब है मुरझा जाना. अब प्लांट है क्यों मुरझा जाते हैं, किसकी वजह से, कौन सा ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आपका प्लांट सूख रहा है. तो आंसर ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन पता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होगा, वाटर लो, जो एक्सेस वाटर है वो लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में. तो ज़्यादा जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो आपका प्लांट है विल्ट क्या करने लगता है, विल्ट सूखने लग जाता है. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ स्टूडेंट्स, प्लांट्स बैंड टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर नोन एज. अब क्या कह रहे हैं, जो प्लांट है जिस तरफ से उसे सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है, मान लो यहाँ आपका प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से इस साइड से सूरज की रोशनी मिल रही है उसे, तो प्लांट का झुकाव इस तरफ होने लग जाता है, इस साइड, ठीक है. अब इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, तो हम इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म. जिस साइड आप
कि प्लांट को लाइट मिलेगी, प्लांट का झुकाव भी उस तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म टुवार्ड्स दैट। क्वेश्चन नंबर 8 थी स्टूडेंट्स, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। बैरोमीटर पे अगर हम कुछ भी रीड कर रहे हैं और बैरोमीटर का जब इंडिकेशन साइन है वो जब डाउन आता है तो इसका मतलब क्या है? तो आंसर है रेनफॉल। जब बैरोमीटर का इंडिकेशन नीचे जाना गिरने लगता है तो इसका मतलब है बारिश होगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज फैथम इज द यूनिट ऑफ। जो 9th क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि जो फैथम है वो किसकी यूनिट है, आंसर है डेप्थ। ठीक, कौन सी चीज़ कितनी गहराई में है उसको जानने के लिए फैथम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। जो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है सर्किट के अंदर उसको हम किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, आंसर है एमीटर। जो एमीटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए। 11th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर। अब ऐसी कौन सी टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम फायर, मतलब जब पेट्रोल की वजह से आग लग जाती है तो उसे, आंसर पाउडर टाइप। पाउडर टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर मतलब पाउडर टाइप का सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से पेट्रोलियम फायर को क्या कहते हैं बुझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12th है, विच टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज। अब क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा टाइप का ग्लास है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लेंसेज और प्रिज्म बनाने के लिए, तो आंसर है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक लेंसेज एंड प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। अब क्या कह रहे हैं, जो सबसे कॉमन यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट है उसका नाम क्या है, तो ब्लीचिंग एजेंट का जो नाम है मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है वो आंसर आपका क्लोरीन, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, दिस स्टडी ऑफ वाइटामिन इज नोन एज। अब आपने बहुत सारे वाइटामिन के बारे में पढ़ा है, ए बी सी डी, आपका वाइटामिन ई के। अब हम ये इसमें ये पूछ रहे हैं कि वाइटामिन की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, आंसर है वाइटामिनोलॉजी। 15th क्वेश्चन है, नेम द वाइटामिन विच इज़ वेरी लाइबल एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। अब क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो काफ़ी लाइबल होता है और जो हम कुक करते हैं तो वो उस टाइम डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो आंसर है वाइटामिन सी। जैसे आपका सिट्रस, ऑरेंज, ये के कुकिंग के दौरान ये वाइटामिन सी है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। 16th है, अ स्ट्रॉम अकम्पेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन थंडर एंड लाइटनिंग इज नोन एज। आप क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रॉम एक तूफान जिसके साथ तेज़ हवाएं, बारिश, लाइटनिंग और थंडर होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, आंसर है थंडर स्ट्रॉम, ठीक है। 17th क्वेश्चन इज योर स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज। जो वाटर साइकिल है उसको हम और क्या बुला सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो आंसर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल मतलब क्या है, वाटर साइकिल। 18th क्वेश्चन इज द रेन वाटर दैट हैज़ कलेक्टेड इन एम्प्टी स्पेस इन पोरस लेयर ऑफ रॉक इज कॉल्ड। अब क्या कह रहा है, जो रेन वाटर है बारिश का पानी जो हम खाली स्पेस में इकट्ठा होता है पोरस लेयर ऑफ रॉक, कोई भी रॉक है, ठीक है, आपकी चट्टान है उसके अंदर कुछ पोर्स स्पेस होगा खाली स्पेस, उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, आंसर है एक्वीफर, ठीक है। सो 19 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सीड्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब क्या कह रहे हैं, जो सीड्स बीज होते हैं उसको पूरी तरह से न्यू प्लांट में कन्वर्ट करना या डेवलप करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो आंसर आपका जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो है डेवलपिंग सीड्स इनटू न्यू प्लांट्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। आई अंशु योर मैथ्स टीचर। सो टुडे अवर टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ एंड दैट इज फॉर क्लास 6 to 8। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम इज व्हाट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
सो अगर कहीं पे भी हाईएस्ट दिखे या ग्रेटेस्ट दिखे वहां पे हमें क्या कंसिडर करना है, एचसीएफ निकालना है वहां पे, और जहां पे भी लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो वहां पे क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 18। नाउ एचसीएफ के लिए हम यूज करते हैं डिविजन मेथड, एंड दैट इज 15 एंड 18 का करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजन एक साइन बनाएंगे, एंड जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे, बाहर, एंड बड़ी वैल्यू को अंदर। ठीक है ना, 15 वन जा 15, रिमाइंडर विल बी 3। अब जो यहाँ पे 3 है उसके यहाँ पे अब हम डिवाइड साइन बनाते हैं, एंड दिस विल बी कंसिडर इन साइड, एंड नाउ 3 5 जा 15, सो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे इनका 3। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एचसीएफ सीधा सीधा लिखा हो तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे, जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना तो अभी हम क्या निकालते हैं उसमें, एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है, तो यहाँ पे भी क्या निकालना है हमें, एचसीएफ ऑफ 9 and 27। तो कंसिडर लाइक दिस, डिविजन मैथड से ही हम करेंगे अगेन। ठीक है, सो 9 बाहर एंड 27 अंदर। अब 9 3 का कितना होता है हमारे पास, 27, सो आंसर विल बी 9। ठीक है, सो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 9। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर्स आर व्हाट, जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनका फैक्टर सिर्फ 1 या वो नंबर खुद होता है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट क्या हो जाएंगे, जिनका एक फैक्टर और मिल जाए, एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन इटसेल्फ और 1। ठीक है, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। देन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो 2 ही होगा और एक 1। ठीक है, तो दो ही फैक्टर है, या तो खुद या वो, तो ये तो क्या हो गया, प्राइम नंबर। नाउ थर्ड इज 4। 4 हमारे पास क्या होगा, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 तो होगा, 4 भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसका फैक्टर 2 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी एंड 6 भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट। और दिस वन इज ऑल्सो कंपोजिट, बिकॉज 9 के फैक्टर्स है हमारे पास, 1, 3 and 9। ठीक है, तो ये भी कंपोजिट नंबर। अब पूछा क्या था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास 4। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट होता 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता कंपोजिट, 3 भी नहीं होता है, देन 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नाउ एलसीएम ऑफ 12 and 16 इज, अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम एक प्लस साइन ड्रॉ करते हैं, 12 और 16 को कंसिडर करते हैं यू। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, अगर दोनों नंबर सेम किसी नंबर से नहीं होते हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं वो एलसीएम में। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं, मतलब हमें क्या लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं। तो फर्स्टली 2 से देखते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 से यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 2 6 and 2 8 जा। नाउ बोथ ऑफ दीज विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देन 3 and 4। अब दोनों के दोनों क्या है, एक सेम नंबर से होंगे, नहीं तो अब हम अलग अलग से इनको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई विथ 4। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 4 जा 48। सो आंसर विल बी 48। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिगेटिव इवन नंबर्स इज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जिगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर दैट नंबर कम्स आफ्टर वन अनदर कॉन्टिन्यूसली, ईच अदर कॉन्टिन्यूसली जो नंबर होते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं लगातार जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताना है। ठीक है, तो लगातार इवन नंबर, जैसे हमारे पास 4 है, 4 के बाद इवन नंबर उसके साथ लगातार कौन सा होगा, 6। ठीक है, जैसे 2 अगर है इवन नंबर तो 2 के साथ कॉन्टिन्यूसली उसके साथ कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4। ठीक है, तो इसी तरह हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, उनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे हमने कंसिडर करा 16, और 16 के साथ उसका क्या होता है हमारे पास, 18। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, हम एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो 16 and 18। नाउ 16 वन जा 16, रिमाइंडर विल बी 2 एंड अंदर क्या आ जाएगा, अब 16 and 8। तो अब कोई भी नंबर लो, दो कॉन्जिगेटिव इवन नंबर्स, हमेशा उनका एचसीएफ क्या होगा, 2। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, ग्रेटर से ग्रेटर, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, कोई भी नंबर, उनका
एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2, ठीक है। इसी तरह एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, यहाँ पे इवन नंबर था लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 लगातार नंबर्स है, ठीक है। कोई भी नंबर्स ले सकते हैं हम, जैसे हमने कंसिडर कर लिया 6 और 7, इन दोनों के एलसीएम निकालने। अब इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब क्या होगा, एलसीएम जो होगा हमेशा उनका क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। सम नहीं होगा उनका, डिफरेंस नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा उनका प्रोडक्ट। नाउ थर्ड, नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 और 9। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट अगर हमें नंबर निकालना है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं वहां पे, एलसीएम। तो फर्स्टली एलसीएम निकालते हैं हम 6, 8 और 9। यहाँ पे अब हमारे पास 2 नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो हम उनको कंसिडर, तो हम उसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो 2 से यहाँ पे 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 2, 3 और 2, 4, और 9 अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 2 से तो सिर्फ एक नंबर हो रहा है तो हम 2 से तो कंसिडर करेंगे नहीं, देन 3 से 2 नंबर हो रहे हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 1, 4 डिवाइड नहीं होता तो 4 को एज इट इज लिख देंगे, और ये ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी, ये दोनों नंबर कोई भी कॉमन मल्टीपल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो एलसीएम हो गया यहाँ पे 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 24, 24, 3, 72, ठीक है। अब हमें तो क्या बताना था, लेकिन 4 डिजिट नंबर और एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 72, ठीक है। अब इनमें से देखना है कि 72 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है इन चारों ऑप्शन में से, आप डिवाइड करके देख लेना, सिर्फ ये नंबर डिवाइड होगा और दैट विल बी द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला वो हमारे पास 2 डिजिट आया और हमें निकालना क्या था, 4 डिजिट। तो हम इनमें से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज, को प्राइम नंबर्स फर्स्टली क्या होते हैं हमारे पास, तो को प्राइम होते हैं हमारे पास वो नंबर जिनका क्या हो, कॉमन फैक्टर उन दोनों में क्या हो, 1, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर जब उन दोनों में 1 हो और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में हमें पता है कि अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो उसके बाद उन दोनों को क्या करना होता है, सेम नंबर्स। अब उन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होगा तो क्या होगा, एलसीएम उन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डायरेक्ट। जैसे अब हमने 6 और 7 लिया था, इन दोनों का क्या है हमारे पास कॉमन, कॉमन नंबर्स क्या है इन दोनों में, या तो हम कुछ भी ले ले, 7 और 11 ले लेते, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों में हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों का, 1 ही होगा, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम इनका 7 × 11, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। सो आंसर विल बी देयर प्रोडक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम टास्क ले कर रहे हैं, आज का स्लेक शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग सुलेख, से ऊ ले ए के सुलेख। आज का हमारा सुलेख का टॉपिक है व्यायाम का महत्व। आधा वे ये आ, ये आ मैं, व्यायाम के आ का महत्व, मैं है ते वे महत्व। देखो बेटा, महत्व को आप खाली आधा तय से भी लिख सकते हो और ये दो तय वाला भी लिख सकते हो। महत्व, किसी ने उचित ही कहा है, किसी के ई से ई, किसी ने न ए ने उचित ए ऊ च ई ते उचित ही है ई ही कहा के है आ कहा है, किसी ने उचित ही कहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ, आधा से व आधा से और थे, स्वस्थ शरीर से रे ई रे शरीर, मैं ए में ही है ई ही, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आधा से व से थे, स्वस्थ मस्तिष्क में, आधा से ते ई आधा से के मस्तिष्क का के आ का निवास, न ई व आ से निवास होता है, ओ
तय आ है निवास होता है। इसको उद्धरण चिन्ह जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड को वो लिखते हैं उसमें बंद किया, शरीर शरीर को कह को स्वस्थ अधसे वैसे और थे स्वस्थ रखने के लिए रख न रखने के ए के लिए ले ई ए लिए प्रतिदिन पे रहते ई द ई न प्रतिदिन व्यायाम वे ये अ व्यायाम करना के रहना करना आवश्यक है ए आवश्य के आवश्यक है। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां व्यायाम करने से कह रहने ए करने से ए से हमारी है मैं आ वे ई हमारी मांसपेशियां मांस पेशियां पे ए शे ई ये आय मांसपेशियां पुष्ट होती है पे उ शे टे पुष्ट होती है ओ ते ई होती है। रक्त संचार रक्त का संचार र कहते रक्त संचार से ने चे आर संचार सुचारु से ऊ चे आ रे ऊ सुचारु रूप से रे ऊ पे रूप रे में बेटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है रूप से होने लगता है है ओ न होने लगता ले गेते आ लगता है होने लगता है। व्यायाम से शरीर निरोग रहता है व्यायाम से शरीर निरोग रहता है नी रोग रहता है रहते आ रहता है। तो आपको भी एक पेज राइटिंग लिखनी है। थैंक यू क्लास, दिस इज फॉर 6 to 8 क्लास एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉकडाउन वर्सेस अनलॉकडाउन, लॉकडाउन के बेनिफिट्स और अनलॉकडाउन के बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ लॉकडाउन। एडवांटेजेस क्या हैं लॉकडाउन के, अगर हम अपने कंट्री में लॉकडाउन रखते हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस हैं हमें। फर्स्ट एडवांटेजेस, पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पर्पस एंड प्रोग्रेस आर की वैल्यूज इन एवरीवन्स डेली लाइफ। इट मीन्स वी नो दैट have the time to focus on becoming a better person and learn how to use creative side of our minds। it means अगर खाली बैठे हैं घर पर, ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम फ्री टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ नया क्या कर सकते हैं। तो उससे हम अपने माइंड से क्रिएटिव आइडियाज़ निकालेंगे, जिससे हम कोई अच्छा कुक हो सकता है या कोई अच्छी ड्राइंग बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है। दे आर द इश्यूज़, दे आर द बेनिफिट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कम आउट द रीसेट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव्ड वंस। अब हमें ये पता चल सकता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है फैमिली से, क्या होता है कि हम बहुत अटैच कम रहते हैं अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने वर्क में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो दिस टाइम वी आर कंज्यूम आर टाइम विद आर फैमिली फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। वी आर मेक देम कॉल्स,
हम उन्हें कॉल करके हर टाइम पूछ सकते हैं कि व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग हाउ वी ट्रीट आर वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लैनेट्स सर्वाइवल. हाउ दे आर दिस इज इम्पॉर्टेंट यू कैन सी हियर पॉसिबल कॉजेज ऑफ द वायरस इंक्लूडिंग किलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड मिक्सिंग देम टुगेदर इन डिफरेंट केजेस. वो बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो सर्वाइवल यानी कि इस वायरस से बीमार हो रहे हैं और इससे क्या होता है उन सबको एक ही केज में रख देते हैं उससे हमें और इसकी वजह से किसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस वी आर फाइनली गेट द मैसेज नॉट रिस्पेक्टिंग ऑल द एनिमल्स एंड द राइट टू लिव इन द एनवायरमेंट. तो हाउ दे आर कैन सर्वाइव और जो एनिमल्स की जो सर्वाइवल है सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए भी कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारी जो भी एनिमल्स हैं उन्हें सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग द नेचर एंड एवरी वन अराउंड अस अराउंड द वर्ल्ड इज एंजॉइंग द ब्रेक फ्रॉम पॉल्यूशन. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए हाउ जो नेचर है अगर हम नेचर की तरफ ध्यान दें तो हमारे जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है. एवरी वन नोज दिवाली पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से ऑड इवन का स्टार्ट करना पड़ता है. जो कार्स होती हैं जो गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ हमें ऑड इवन का फार्मूला स्टार्ट करना पड़ता है. तो लॉकडाउन से क्या होता है कि एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है और इट विल हेल्प अस इन ब्रीदिंग द एयर. ऑक्सीजन जो होती है वो प्योर हो जाती है एंड इन दीज डेज यू कैन सी हेयर एनवायरनमेंट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन हो चुका है इस बार हमारा जब लॉकडाउन हुआ है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू आर हेल्थ. Now related to our health, the health system will now hopefully be improved across all countries. Budget spend the correct areas with the government being forced to focus on it. जो हमारे health system है वो हमारा exposed हो चुका था तो उनको हम दोबारा अच्छे environment clean हो गया तो उससे हम क्या करते हैं हमारे जो lungs हैं वो कम से ज़्यादा अच्छी breathing करेंगे तो हम उससे क्या है हमारी हेल्थ अच्छी होगी हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव होगा और जो डिमांड है हॉस्पिटल्स इंक्रीज करने की डिमांड्स हो रही है जो लैक ऑफ इक्विपमेंट्स है स्टाफ कम है तो इससे गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि हमें कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यानी कि हमें हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. एट द लास्ट वी आर except concluding our last important point that is we are learning to exercise indoors and enjoy exercise because we have time. और जो हम exercise नहीं करते हैं daily routine में now we are having the time and we do indoor exercise as we everyone can do and improve their health system. Hopefully you all are enjoyed the everyone knows and understand these important points. Now tomorrow we are going to start with the advantages of unlockdown and the conclusion between the two. Now you will do these all the points very carefully. This is your debate next to topic. This is the second topic related to the debate. Thank you everyone. Yes student. Welcome to online class in the spoken class from 6 to 8 class topic on holiday whether it is beneficial or not. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक के बारे में बता चुकी हूँ लेकिन आज इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ एज एन रिविज़न पार्ट. रिविज़न का मतलब कि आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ और एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि हॉलीडेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है. Holidays are the day of relax and recreation. यानी कि holiday के नाम से ही हमें ऐसा फील होता है जैसे हमें आराम करने को मिल रहा हो और recreation यानी कि कुछ अलग करने का मन करता है. It is very pleasing to our ears. We are very glad. और हमारे कानों को जो ये सुनाई देता है तो ये बहुत ही अजीब सा मतलब अच्छा लगता है.
when we get holidays like summer vacation, winter vacation and festival vacation. यानी कि हमें holiday जो है तीन तरीकों से मिलता है, जैसे कि summer vacation गर्मियों की छुट्टी, winter vacation सर्दियों की छुट्टी एंड फेस्टिवल वेकेशन. फेस्टिवल वेकेशन वो होते हैं जो हमें हमारे तीज या त्यौहार के रूप में छुट्टी मिलती है. द मैन विदाउट रिलैक्स एंड एंजॉय इज डल. और अगर किसी इंसान को हॉलीडे अगर नहीं मिलते हैं तो उस इंसान के लिए जो है, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो है ज़िंदगी नीरस हो जाती है, बिल्कुल डल हो जाता है उसका लाइफ. हॉलीडेज मेक अवर माइंड चेयरफुल. और हॉलीडेज से हमारे मन को जो है एक असीम खुशी मिलती है. इट इम्प्रूव्स अवर हेल्थ. और इससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है. अब आप सोचोगे कि हॉलीडेज से हमारी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी, तो हेल्थ के लिए क्या है कि बच्चों जैसे कंटिन्यूसली आप एक ही काम को करते हो तो बंदा उसको करते करते जो है बोर हो जाता है. और उसको जो है कुछ चेंजेस लाइफ में, चेंज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और लाइफ में जब चेंज मिलती है तो उसकी जो है हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होती है. इन हॉलीडेज पीपल लव पैराग्लाइडिंग, इंजॉय बोटिंग एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वाटर फॉल्स. और इस हॉलीडेज के दौरान जो है वो पैराग्लाइडिंग जैसी चीज़ें और बोटिंग और उसके साथ साथ वाटर फॉल जैसी चीज़ें का भी वो इंजॉय करते हैं. पीपल हैव फन बाय डांसिंग, लिसन टू द म्यूजिक. और हॉलीडेज के अंदर लोग ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं जैसे डांस के साथ या फिर अपनी म्यूजिक सुनने के लिए. इफ़ यू स्पेंड द वेकेशन इन दिस वे इट विल गो गुड, डू गुड एंड टू आवर बॉडी एंड माइंड. अब जो है ये इस तरह से अगर हम अपना हॉलीडे जो है अगर स्पेंड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे शरीर और हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद होती है. इट विल रिस्टोर आवर एनर्जी एंड फिट अस फॉर वर्क अगेन. और ये जो है हमें ऐसा करने से जो है हमारी एनर्जी दोबारा से हमें मिलती है और हमारे को दोबारा से काम करने के लिए फिट करती है. यानी कि हमें फिर से तैयार करती है. रिलैक्स होने के बाद जो हम काम करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ हम करते हैं. दस आफ्टर स्पैनिंग द वेकेशन यूजुअली वी शैल अगेन बी एबल टू वर्क. और उसी तरह से जो है हम दोबारा जब हम किसी तरह से छुट्टियां मना करके जब वापस काम पे जाते हैं तो हमें काम करना भी अच्छा लगता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी एक स्फूर्ति आती है उस काम को करने के लिए. हार्ड विद ए चेयरफुल माइंड. और हम अपने जब काम करने जाते हैं तो अपना वर्क हार्ड होता है पूरा और चेयरफुल माइंड के साथ हम अपना काम करते हैं. Why is vacation important and beneficial? अब हम अगर ये देखते हैं कि हमारे लिए vacation जो है छुट्टियाँ क्यों important है और ये क्यों फ़ायदेमंद होती है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है बच्चों नीचे दे रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा. देखिए vacation boosts creativity and vision. Vacation जो है वो creativity को उत्पन्न करता है और एक एक mind में एक vision होता है आपका एक का कि आपको करना का क्या है. A few minutes break from work gives a refreshed feeling. और जब आप काम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो आपको जो है ऐसा लगता है जैसे आपको रिफ्रेशमेंट मिल गया हो. Now imagine what an entire day or week as a whole can do for your creativity. अब आप सोचिए कि अगर इसी तरह से आपको अगर थोड़ी से समय के लिए कि थोड़ा को रिलीफ मिलता है काम से तो आपको बहुत अच्छा लगता है. अगर इसी तरह से कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए अगर ये चीज़ें मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा. वेकेशन कनेक्ट यू विद इनर सेल्फ. और वेकेशन जो है छुट्टियाँ हैं वो आपको अपने आप से मिलाती हैं. अपने आप से कैसे मिलाती हैं. वेकेशंस गिव यू स्पेस टू रिमेंबर योर स्पेशल इंटरेस्ट और hobbies in life that you may forget due to work pressure. अब आपको अपने आप से वेकेशन कैसे मिलाता है, वो इस तरह से कि वेकेशन जो छुट्टियां हैं वो आपको जो है आपके लिए जगह बनाती है ताकि आप
वो चीज़ें याद कर सके जिनमें आपका रुचि है, आपको इंटरेस्ट है, और जो आपकी आदतें हैं, हॉबीज हैं, और जो लाइफ में जिनको आप काम के प्रेशर के दौरान आप उन्हें भूल चुके हैं, तो वेकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेकेशन बिल्ड्स योर रिलेशनशिप, और वेकेशन जो है वो आपके परिवारों का रिलेशनशिप भी बनाता है। वेकेशन गिव्स यू ए चांस टू स्पेंड मोर टाइम विद योर लव्ड वंस, और वेकेशन जो है आपको समय देता है कि आप अपने प्रियजनों के साथ पूरा समय बिता सकें। ए लॉन्ग वेकेशन इवन अ शॉर्ट हेल्प्स यू टू बिकम क्लोज टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और चाहे वो बड़ी वेकेशन हो यानी कि लंबे समय के लिए हो या छोटे समय के लिए हो, लेकिन ये वेकेशन आपको अपनी फैमिली के पास लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। वेकेशन हेल्प्स टू रीसेट यू, और वेकेशन ही आपको दोबारा से कैसे क्या करना है इस चीज़ में आपकी मदद करती है। ब्रेक इन वर्क मैटर्स, और जो है काम के दौरान अगर थोड़ा सा आपको समय मिलता है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। द ब्रेन रिजेक्ट्स लॉन्ग वर्क एंड आइडियाज ट्राई अप, और अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपके आइडिया भी जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं, यानी कि ऐसा लग जाता है कि जैसे आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं। इवन अ शॉर्ट नैप और वॉक फॉर 10 मिनट्स हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू एनर्जी फॉर वर्क, और अगर इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा समय, हल्का सा समय अपने लिए निकाल लें, या फिर 10 मिनट्स के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके और आप अपने आप में थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, तो वो 10 मिनट्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एनर्जी आपको रिस्टोर करती है ताकि आप अपना काम पूरी जो है एनर्जी के साथ कर सकें। वेकेशन हेल्प्स यू टू प्रिवेंट बर्न आउट, यानी कि वेकेशन आपको जो है ये हेल्प करता है कि आप जो है अपने आप में बोरियत ना फील करें। वेकेशंस गिव यू अ चेंज टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट बर्न आउट एंड गो बैक टू वर्क विद अ क्लियर माइंड, यानी कि वेकेशन ही आपको जो है एक चेंज यानी कि बदलाव लाता है, और आप वो काम कर जो आप रोज़ाना जो रोज़मर्रा का आप काम करते हैं जिससे कि वो आपको वेकेशन उस अनप्लग का मतलब उस रोज़ाना के कार्य दिनचर्या से आपको दूर ले जा करके अलग करता है, और इस तरह से आपको जो है जब आप वेकेशन मना के दोबारा वर्क पर आते हैं तो आपका दिमाग जो है तरोताज़ा और काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वेकेशन हेल्प्स टू गेन इनसाइट वर्क ऑफ गिव्स यू अ चांस टू ट्रैवल एक्सप्लोर एंड एडवेंचर दैट कैन रिफ्रेश योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड हेल्प यू टू सी योर लाइफ इन ए न्यू वे, और जो वेकेशन जो है वो आपको दोबारा से इस चीज़ के लिए मदद करती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील होना चाहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल करते हैं, एक्सप्लोर यानी कि ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती है, और कुछ ऐसे एडवेंचर्स यानी कि नई नई चीज़ों को अपना जो है लाइफ में क्रिएटिविटी करते हैं, और उसके साथ उनका जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो उनका माइंड रिफ्रेश होता है इन कामों से, और लाइफ में जो वो नहीं कर पाए हैं वो वेकेशंस के दौरान इन चीज़ों को करके एक नया रास्ता बनाते हैं। द बेसिक्स आइडिया बिहाइंड हॉलीडेज इज चेंज, और हॉलीडे के पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो है रोज़ाना के जो काम है दिनचर्या है उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव मिल सके। ऑल वर्क एंड नो हॉलीडेज मेक अ मैन लाइफ डल एंड बोरिंग,
अगर आप कंटिन्यूसली लगातार एक ही जैसे काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक रोज इसी तरह से, तो वो आपके जीवन को बोरिंग और डल यानी कि नीरस बना देंगे। हॉलीडेज ब्रिंग फन फैसिटिंग एंड मैरी मेकिंग ऑफ द डेज, और जो हॉलीडेज हैं वो आपके जो है दिन रोजाना के दिनचर्या से आपके जो है जीवन में खुशी लाता है और एक उल्लास से भरा होता है, और इससे जो है आपका दिमाग भी अच्छा होता है। पब्लिक हॉलीडेज आर लिंक्ड विद इम्पॉर्टेंट फेयर्स, और जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है फेयर से रिलेटेड होते हैं। और फेस्टिवल्स ड्यूरिंग दिस डेज, और जो फेस्टिवल्स आते हैं इन हॉलीडेज के ड्यूरिंग, होल फैमिली गेट टुगेदर सेलिब्रेट हैव फन एंड प्लेरिक एंड लिटिल एक्ट ऑफ सोशल सर्विसेज, और इन हॉलीडेज के दौरान सारी फैमिली एक साथ मिलती है, अपने आप में वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करती है और जो है फन फील करती है, और इसी के साथ ही उन्हें जो है सामाजिक कार्य करने में भी मौका मिलता है। सो स्टूडेंट, इसकी इस वीडियो में मैंने आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा से इस जो है टॉपिक को समझाया है, तो आप इस तरह से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हॉलीडे को जो है क्यों हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों, आप इस जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।